देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। वहीं एक ओर विपक्षी दलों का गठबंधन और दूसरी ओर जातीय जनगणना की मांग, इन दोनों मुद्दों से कैसे निपटा जाए इसके लिए बीजेपी ने गुरुवार को दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने जीत को लेकर मंथन किया है। शाह ने 2014 में यूपी का प्रदेश प्रभारी रहते हुए पहली बार बीजेपी ने यहाँ सूबे में 73 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। उस वक्त अपना दल बीजेपी का सहयोगी दल था। तब अकेले बीजेपी ने 80 सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अब तक के सबसे बड़े सपा बसपा गठबंधन को हराते हुए 64 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ में चुनाव जीता था, जिनमें से बीजेपी ने अकेले ही 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में यूपी में एक बार फिर से बड़ी जीत की रणनीति तैयार करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं और यही कारण है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे, साथ ही यूपी के बड़े नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं।